Assalamualaikum. How are you students? I hope you will be fine. आज का हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है और टॉपिक है हमारा जी. लेक्चर नंबर है 39. सबसे पहले हम बुक रीडिंग करेंगे. अपनी बुक्स ओपन करें इंग्लिश की. आज का हमारा लेटर है जी. कौन सा लेटर है? जी. कौन सा है? जी. और जी की साउंड क्या है? जी ग ग जिराफ. जी ग ग जिराफ. जी ग ग जिराफ. जी ग ग जिराफ. तो चले आए देखते हैं कि हमें जी को वन डॉट पे किस तरह से लिखना है. जी को लिखने के लिए हम कितनी लाइन्स यूज करेंगे? जी को लिखने के लिए हम थ्री लाइन्स को यूज करेंगे. सबसे पहली लाइन होगी कर्व लाइन. अपने हैंड को इस तरह से करें तो ये जो शेप आ रही है ये कर्व लाइन की शेप है. और दूसरी होगी स्टैंडिंग लाइन. अपने हैंड को अगर आप इस तरह से करें या इस तरह से करें तो ये जो शेप है ये है स्टैंडिंग लाइन. और जो तीसरी है वो है स्लीपिंग लाइन. अपने हैंड को इस तरह से करें ये जो शेप आ रही है ये स्लीपिंग लाइन की शेप है. इन थ्री लाइन्स को यूज करके हम जी को लिखेंगे. तो चले आए लिखते हैं जी को. सबसे पहले हमें कौन सी लाइन यूज करनी है? सबसे पहले हमने कर्व लाइन यूज करनी है. कर्व लाइन यूज कर ली. उसके बाद स्टैंडिंग लाइन. उसके बाद आप हम कौन सी लाइन यूज करेंगे? स्लीपिंग लाइन. तो ये क्या बन जाएगा? जी. क्या बन जाएगा? जी. फिर से देखें, जब आपने लिखना है तो आपकी नोटबुक पे आपने फर्स्ट थ्री लाइन्स के ऊपर जब जी को लिखना है तो सबसे पहले आपने कर्व लाइन लगानी है. कर्व लाइन लगा दी. उसके बाद आपने स्टैंडिंग लाइन लगानी है. उसके बाद आपने क्या करना है? सेंटर वाली लाइन के ऊपर आपने स्लीपिंग लाइन लगा देनी है. तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. फिर से देखें, जी को लिखने के लिए आपने क्या करना है? थ्री लाइन के ऊपर आपने पहले कर्व लाइन लगानी है. उसके बाद आपने क्या करना है? स्टैंडिंग लाइन लगानी है. स्टैंडिंग लाइन लगाने के बाद सेंटर वाली लाइन के ऊपर आपने स्लीपिंग लाइन लगानी है. तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. फिर से देखें, जी को लिखने के लिए सबसे पहले हमने कर्व लाइन यूज की. उसके बाद स्टैंडिंग लाइन यूज की. लास्ट में हम स्लीपिंग लाइन यूज करेंगे. तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. कौन सा लेटर बन जाएगा? जी. ये कौन सा लेटर है? जी. आज हमने वन डॉट पे जी को लिखना सीखा है. आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी बहुत दफा प्रैक्टिस करनी है. इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.